हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा डिफरेंट टिश्यूज जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एपिथेलियल, मस्क्यूलर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सब हमने पढ़े। अब हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर एनिमल में हम उसके सिस्टम्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके मॉर्फोलॉजी, ठीक है, वो सब हम एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी अब हम देखेंगे। तो नाउ हम पर्टिकुलर एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच और जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, तो इनमें हम इनके पर्टिकुलर सिस्टम की जो है एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लेने वाले हैं वो है अर्थवर्म, ठीक है, तो अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म अर्थवर्म का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, ओके। और अर्थवर्म जो है हमें एनालिडा फाइलम में मिलता है, एनालिडा फाइलम की क्लास ओलिगोकेटा, जिसमें कि क्लाइटेलम जो है वो परमानेंट होता है थ्रू आउट द स्टेज, थ्रू आउट द लाइफ होता है जो क्लाइटेलम है वो, और जो सेटा होते हैं या कैटा होते हैं वो जो है कम होते हैं, इस कंपेयर टू ऑलिगो मीन्स लेस, तो लेस सेटा इसमें पाए जाते हैं इस कंपेयर टू अदर क्लास। और एनालिडा फाइलम में क्या होता है, ग्रूव ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, और जिसे कि एन्यूलाई कहते हैं, और एन्यूलाई पे ही जो क्लास फाइलम एनालिडा है उसका नाम एनालिडा पड़ा, क्योंकि जो ग्रूव्स होते हैं हमने देखा कि इनका जो बॉडी होती है और उसमें जो है इस प्रकार से ग्रूव्स हमें दिखते हैं, सेगमेंट्स जो है वो हमें दिखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एन्यूलाई, और ये एन्यूलाई के कारण इनका नाम है एनेलिड्स, ठीक है। तो एनेलिडा फाइलम में आता है अर्थवर्म या फेरेटिमा, और क्लास ओलिगोकेटा में जो है इसका डिवीजन है। तो सबसे पहला इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ पर ये रहता है, तो हैबिटेट हमें पता है मॉइस्ट एरिया में यूजुअली ये पाया जाता है, ठीक है, मॉइस्ट एरिया लाइक गार्डन, मॉइस्ट के साथ साथ जहाँ पर सॉइल होती है, ठीक है, मॉइस्ट एरिया और मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, जैसे कि गार्डन्स, ठीक है, और रेनी वेदर में जो है हमें देखते हैं, ठीक है, मोस्टली हमें रेनी वेदर में जो फेरेटिमा है, अर्थवर्म जो है वो हमें फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं। तो मॉइस्ट सॉइल में, गार्डन्स, फार्म्स में ये रहता है, ठीक है, और इस प्रकार इसका जो फोसोरियल होता है ये हैबिट्स में, ठीक है, इट इज फोसोरियल, फोसोरियल मीन्स व्हाट, कि ये अपने लिए जो है खुद डिगिंग करता है सॉइल में, और इसको जो है फोसोरियल लोकोमोशन कहते हैं, और जो है इस प्रकार ये लोकोमोट करता है, ठीक है। ओके, तो टेरेस्ट्रियल और फोसोरियल होता है, लैंड पर ये रहता है, लेकिन स्टिल लैंड पर भी रहने के बाद भी उसे मॉइस्ट एरिया जो है उसकी ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसकी स्किन को कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अर्थवर्म होता है उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, दैट मीन्स कि जो स्किन है उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसलिए उसकी जो स्किन है उसे कंटिन्यू मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, यदि थोड़ी भी ज़्यादा यदि धूप है तो वो जो है कोल्ड ब्लडेड होता है और वो फिर अंदर मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो उसे ज़रूरी है कि उसकी स्किन मॉइस्ट रहे, ठीक है। तो हैबिटेट देखा हमने, मॉइस्ट एरिया में रहता है, अब देखेंगे हैबिट्स,
तो हैबिट्स में सबसे पहला है एक्टिविटी। तो हमने देखा कि ये जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल्ड ब्लडेड होता है और नॉक्टर्नल इन एक्टिविटी, दैट मीन्स नाइट में ज्यादा एक्टिव रहता है। तो दैट मीन्स नॉक्टर्नल होता है एक्टिविटी में, ठीक है। तो सबसे पहली हम देख रहे हैं एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं लोकोमोशन, ओके, एंड मोड ऑफ लिविंग। लोकोमोशन के पहले हम देखते हैं मोड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, फोसोरियल होता है और मिट्टी के अंदर जो है ये रहता है, और ये क्या करता है, अपने माउथ के जो प्रोस्टोमियम इसका होता है, उसकी मदद से जो है ये डिग करता है मिट्टी को, और इस प्रकार डिग करके जो है मिट्टी के अंदर ये रहता है। तो इस प्रकार फोसोरियल है और अपने ही द्वारा सेल्फ डिग जो होता है, सेल्फ डग जो गड्ढा होता है उसमें ये रहता है, पिट्स में ये रहता है, ठीक है। उसे कहा है सेल्फ डग बरोज। तो सेल्फ डग बरोज में जो ये खुद बनाता है, ऐसी बरोज में जो ये है रहता है, ठीक है। मोड ऑफ लिविंग लोकोमोशन, लोकोमोशन बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ लोकोमोशन होता है इसमें। इसमें जो है दो प्रकार की मसल्स होती हैं, सर्क्यूलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। और ये सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के साथ साथ जो हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्केलेटन होता है इसमें, हाइड्रोस्केलेटन किसे कहा जाता है, इसकी जो सीलोम होती है, बॉडी कैविटी जो रहती है, वो फ्लूइड फिल्ड रहती है। और वो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो एक जो है डी इनकम्प्रेसिबल होती है, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से क्या होता है कि उसके अगेंस्ट जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो उसे लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और इस प्रकार के हाइड्रोस्केलेटन जो, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है लोकोमोशन के लिए, उस फ्लूइड कैविटी को हाइड्रोस्केलेटन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हायर एनिमल्स में तो क्या होता है, जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है, और इसलिए वो जो है एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल और टू एक्ट द मसल्स। बट इसमें उस प्रकार का स्केलेटन नहीं होता, और इसलिए ये जो पर्पस है, ये पर्पस फ्लूइड फिल्ड सीलोम के द्वारा जो है फुलफिल होता है, और सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इस प्रकार लोकोमोशन होता है। अब क्या होता है कि जब सर्क्यूलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स रहती हैं, ठीक है। तो व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस रिलैक्स, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, ठीक है, बॉडी गेट्स इलोंगेटेड। और जब ये रिलैक्स रहती है और ये कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो क्या होता है, बॉडी गेट रिट्रैक्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टेज पे है वर्म, अर्थवर्म। और इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो पार्ट है उसकी पूरी होल लेंथ का, वो जो है एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, और फिर इस प्रकार से जो है आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है कि दिस पार्ट गेट ठीक है, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मान ले फर्दर, और ये पार्ट जो है ये एज इट इज है, ठीक है।
ठीक है, तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर दिस पार्ट गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बॉडी जो है इस वक्त क्या हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट, और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो हो रही हैं रिलैक्स, और इसकी वजह से जो है वो दिस पार्ट गेट रिट्रैक्टेड, ये पार्ट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब जब सर्कुलर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और इन दिस वे व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये पार्ट हो गया एलोंगेटेड और ये थोड़ा ये नॉर्मली है, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं क्या हुआ, ठीक है, ये जो है नॉर्मल है, इसमें ना तो कॉन्ट्रैक्शन है ना रिलैक्सेशन है मसल्स का, बट इन दिस फेज व्हाट इज गोइंग ऑन कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, अब क्या होता है कि जब जो सर्कुलर मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स होती है, और इस केस में क्या होता है कि जो बॉडी है वो इलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सर्कुलर मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है, तो उस केस में जो बॉडी है वो रिट्रैक्ट हो जाती है और जो है वाइडन हो जाती है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, सर्कुलर रिट्रैक्ट हो रही हैं, तो जो दिस पार्ट है बॉडी का ये पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जो बॉडी है उसकी लेंथ कम हो रही है, ठीक है, और वो वाइडन हो रही है। इन दिस केस क्या होगा कि ये पार्ट जो है वो थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा, और एट दैट टाइम जो माउथ पार्ट होता है, ठीक है, जो प्रोस्टोमियम होता है वो सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है, और इसलिए ये पार्ट जो है सबस्ट्रेटम से या सरफेस से जो है जॉइन रहेगा, अटैच्ड रहेगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स थी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो थी वो हो रही है रिलैक्स और सर्कुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो क्या हुआ कि ये पार्ट जो है वो इलोंगेटेड हो गया, और इस वजह से क्या हुआ कि उसने फिर से जो है अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ जो है मूव कर लिया, और इसी तरह जो पूरा अर्थवर्म होता है वो लोकोमोशन करता रहता है सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के रेगुलर जो है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अर्थवर्म है वो मूव कर पाता है, तो दैट इज द मेन फिनोमिना कि बॉडी के रिट्रैक्शन और इलोंगेशन से जो है वो बॉडी को फिर आगे की तरफ पुश करता जाता है और इस तरह उसमें लोकोमोशन जो है वो होता है, ठीक है। तो इन तीनों की मदद से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड द हाइड्रोस्केलेटन जो अर्थवर्म है वो क्या करता है, मूवमेंट या लोकोमोशन कर पाता है, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद रेस्पिरेशन हैबिट्स में हम देखते हैं रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार इसमें होता है, तो रेस्पिरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, और फॉर दैट पर्पस जो स्किन होती है वो काफी थिन होती है, परमिएबल होती है और मॉइस्ट होती है, तो उसे कंटिन्यू मॉइस्ट रखना जो है इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक रेस्पिरेटरी सरफेस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और वो होने ज़रूरी है तभी गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है, तो इसमें जो सरफेस होती है क्यूटेनियस सरफेस वो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है जहाँ पर कि गैसियस एक्सचेंज होता है, साथ ही ये वेस्क्यूलर भी होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर स्किन में जो है काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई जो है वो होती है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है और फॉर दैट पर्पस स्किन इज वेरी थिन परमिएबल वेस्क्यूलर एंड मॉइस्ट,
ठीक, तो ये हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। अब जो नेक्स्ट है वो है फीडिंग। तो नेक्स्ट हैबिट इज फीडिंग, कि किस प्रकार जो है फीडिंग इसमें होती है। तो वैसे तो ये डेट्रिटिवोरस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ये खाता है, वेजिटेबल्स जो सड़ी गली वेजिटेबल्स है वो ये खा सकता है, ठीक है। ये जो है साथ ही कुछ कीड़े लार्वा भी खा सकता है, एग्स भी खाता है, और साथ ही जो मेल इसका फूड होता है वो ह्यूमस होता है, ह्यूमस ऑफ सॉयल जो होती है उस पे ये जिंदा रहता है, और खास तौर से इसका जो फीड जो फूड है वो है ह्यूमस ऑफ द सॉयल। तो सॉइल में हमें पता है कि एक लेयर जो है वो ह्यूमस होती है, जिसमें क्या होता है ज़्यादातर सड़े गले जो पेड़ पौधे रहते हैं उन्हें उनसे जो है वो परत बनती है मिट्टी की, तो वो जो है ह्यूमस इसका मेन फूड है। लेकिन फिर भी ये डेट्रिटिवोरस होता है, काफ़ी सारे फूड जो है ये खाता है, ठीक। तो ये हमने देखा फीडिंग। देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो अर्थवर्म होता है वो बाइसेक्शुअल होता है, ठीक है, और मोनोइशियस भी कहते हैं इसको। हर्माफ्रोडाइट होता है, दैट मीन्स कि बोथ जो सेक्सेस होते हैं उसके जो ऑर्गेन्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो टेस्टिस और ओवरी बोथ आर प्रेजेंट इनटू द अर्थवर्म, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जो पोजीशन होती है दोनों ही ऑर्गेन्स की, ठीक है, दोनों जेनाइटल ऑर्गेन्स की जो लोकेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, और ऑलवेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, और जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग का वो होता है स्पर्माथीका में, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट होता है बाइसेक्सुअल, मोनोओशियस होता है नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होकर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, एंड द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू द स्पर्माथीका, ठीक है। तो ये जो है इसकी हैबिट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। साथ ही रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेरी वेल डेवलप्ड इसीलिए हमने देखा है कि जो अर्थवर्म होता है यदि उसे कट भी कर दिया जाए तो फिर भी जो है वो एक इंडिविजुअल के रूप में वो रहता है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है इनटू द अर्थवर्म, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखी अर्थवर्म की हैबिट्स, हैबिटेट, ठीक है, और अब हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि किस प्रकार एक्सटर्नली जो है उसमें फीचर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अर्थवर्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नली कैसा दिखता है अर्थवर्म,
इस प्रकार जो है मॉर्फोलॉजी रहती है इसकी, और साइज, शेप, सिमेट्री हम देखते हैं किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो साइज जो होता है सिलेंड्रिकल, लॉन्ग बॉडी होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 30 to 45 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो डायमीटर होता है 3 to 4 mm का डायमीटर होता है। ठीक है, और बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है, एंटीरियर एंड इज पॉइंटेड बट नो डिस्टिंक्ट हेड इज फॉर्म। ठीक है, हेड जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। ठीक है, और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो ब्लंट होता है। ठीक है, इंटीरियर एंड इज पॉइंटेड एंड द पोस्टीरियर एंड इज ब्लंट। ठीक, देन साइज, शेप, सिमेट्री हमने देख लिया, उसके बाद ओके, देन ब्राउनिश कलर होता है इसमें, और ब्राउनिश कलर की बॉडी होती है, मोर ब्राउनिश ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है, तो जो डॉर्सल साइड होती है जो हमें दिखती है, ठीक है, जो एक्सपोज सरफेस होती है, मोर ब्राउनिश होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है पोरफायरिन जो कि प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस पे, और उसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोरफायरिन पिगमेंट। और ये जो पोरफायरिन पिगमेंट होता है ये ब्राइट लाइट से इसको प्रोटेक्ट करता है, तो दिस प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राइट लाइट। ठीक है, तो ब्राउनिश इन कलर, मोर ब्राउन ऑन द डॉर्सल सरफेस देन द वेंट्रल सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन पिगमेंट विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राइट लाइट। देन वन लाइन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल लाइन ऑन द डॉर्सल सरफेस। ये क्यों दिखती है? क्योंकि एक डॉर्सल ब्लड वेसल होती है इंटरनली, और उसकी वजह से एक डॉर्सल लाइन जो है डॉर्सल सरफेस पर दिखती है ड्यू टू डॉर्सल ब्लड वेसल। तो डॉर्सल ब्लड वेसल की वजह से एक डॉर्सल लाइन जो है इसमें दिखती है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, दिस इज द इंटीरियर पार्ट, माउथ इज हियर, दिस इज एनल पार्ट फॉर्म द एनस। ठीक है, दिस लाइन इज डॉर्सल लाइन। Okay, the grooves on the body surface are called annuli, which forms the segments into the body, and these are the segments this part from the 14th, 15th and 16th segment is called clitellum. Okay, so this is the main about the size, shape and symmetry. Then comes the segments. So what happen is कि जो body surface होती है उस पर grooves होते हैं, और ये grooves जो है पूरी body को segments में जो है divide करते हैं। तो grooves divides the body into the डिफरेंट सेगमेंट्स, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये 100 से 120 तक इनके नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है,
और ये जो एक्सटर्नली हमें ग्रूव्स दिखते हैं, एन्यूलाइज दिखते हैं, ठीक है, जो सेगमेंट्स दिखते हैं वो इंटरनली भी करस्पॉन्ड होते हैं, और इंटरनली भी सेगमेंट्स जो है वो बॉडी में पाए जाते हैं, तो करस्पॉन्ड विद द इंटरनल सेगमेंट। ये जो सेगमेंट्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, मेटामेरिक्स, मेटामियर्स और सोमाइट्स। और इस प्रकार का जो सेगमेंटेशन होता है कि एक्सटर्नली भी हमें सेगमेंटेड दिखे बॉडी और इंटरनली भी सेगमेंट्स पाए जाएं, तो उस प्रकार के सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन। ओके, सो ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो इनमें पाया जाता है। सेगमेंट्स को मेटामियर्स और सोमाइट्स कहते हैं, ठीक है, और दैट करस्पॉन्ड विद द इंटरनल सेगमेंट्स। ओके, एंड जो इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट फोर सेगमेंट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल सेगमेंट इज एब्सेंट। इन फर्स्ट फोर सेगमेंट ठीक है, तो इंटरनली फर्स्ट फोर सेगमेंट्स जो हैं उनमें सेप्टम्स जो हैं वो नहीं पाया जाएगा, इंटरनली दे विल बी नॉट डिवाइडेड। ठीक है, तो सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, ग्रूव्स जो है एन्यूलाई कहलाते हैं, और ये जो क्या करते हैं, सेगमेंट्स या मैटामियर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और ये मैटामियर्स जो हैं इंटरनली भी करस्पॉन्ड होते हैं और इंटरनली भी इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द क्लाइटेलम पार्ट। फाइन, तो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी में हमें दिखेगा वो है क्लाइटेलम। ठीक है, तो क्लाइटेलम जो होता है 14, 15 और 16 पार्ट जो होता है वो क्लाइटेलम पार्ट फॉर्म करता है। तो 14, 15 एंड 16 सेगमेंट फॉर्म द क्लाइटेलम। यहाँ पर यदि हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 then 14, 15 and 16। तो दिस पार्ट इज फॉर्मिंग द क्लाइटेलम। क्लाइटेलम एक्चुअली क्या होता है, इट सिक्रीट्स द ऊथिका और कोकुन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन के वक्त जो क्लाइटेलम पार्ट होता है वो ऊथिका सिक्रेट करता है, जिसमें कि क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, फर्टिलाइज्ड एग्स का। ओके, सो देयर इज एन करेक्शन कि जब हमने सेक्सुअल जो डेवलपमेंट पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि डेवलप्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, स्पर्मथीका में। बट देर इज अ करेक्शन कि जो क्लाइटेलम जो है वो जो कि ऊथीका सिक्रीट करता है, ऊथीका जो होता है इस प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर की जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार दूसरे भी हम जीव देखते हैं जैसे कि मॉथ्स, मॉथ्स जो है वो भी एक ऊथिका, सिल्की टाइप ऑफ ऊथिका सिक्रीट करती है जिसमें कि उसके जो लार्वा है वो डेवलप होते हैं। तो इसी प्रकार जो अर्थवर्म है वो उसके क्लाइटेलम पार्ट से ऊथिका सिक्रीट करता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो देर इज अ करेक्शन कि स्पर्मेथिका नहीं, ऊथिका में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जो क्लाइटेलम पार्ट है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है ऊथिका या कोकुन
उसे कहते हैं जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो क्लाइटेलम है ये बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। प्री क्लाइटेलम, तो बॉडी का वह पार्ट जो कि बिफोर द 13th सेगमेंट्स, बिफोर द 13th सेगमेंट जो बॉडी का पार्ट होता है दैट विल कॉल प्री क्लाइटेलम। देन क्लाइटेलम तो वो कहलाएगा 14, 15 एंड 16th सेगमेंट्स, वो कहलाता है क्लाइटेलम। और पोस्ट क्लाइटेलम, पोस्ट क्लाइटेलम जो है वो कहलाएगा 17th के बाद अप टू लास्ट सेगमेंट, तो लास्ट सेगमेंट तक का पार्ट कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलम पार्ट, ठीक। तो ये हमने देखा क्लाइटेलम पार्ट जो है उसका क्या महत्व है अर्थवर्म में, ठीक है। देन हम देखेंगे सेटा और शेटा, ठीक है। तो द अदर इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फीचर इज शेटा और सेटा। तो सेटा जो होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन ईच सेगमेंट, और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है काइटिनस होते हैं, काइटीन के बने हुए होते हैं। तो दे आर द काइटिनस हेयर लाइक प्रोजेक्शन इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट सम, एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम सेगमेंट्स। तो क्लाइटेलम और फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में जो शेटा है वो नहीं पाए जाते। और ये जो सेटा होते हैं सेटल सैक में रहते हैं, ठीक है। दे ठीक है, तो दे आर प्लेस्ड इन टू द सेटल सैक। और ये जो सेटा होते हैं बॉडी पर ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन टू द लोकोमोशन एंड कॉपुलेशन। तो लोकोमोशन और कॉपुलेशन में ये जो प्रोसेसेस होती है हेयर लाइक प्रोसेसेस वो इन्हें मदद करती हैं, ठीक है। तो यदि इसका एक डायग्राम हम बनाएं तो किस प्रकार रहेगा देखते हैं, ठीक है। तो बॉडी वॉल का यदि एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखें तो किस प्रकार होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मसल्स, ओके। एफ शेप्स रहते हैं इसका, ये जो सेटा रहता है एफ शेप का होता है और इस प्रकार एक सेटल आप देख सकते हैं एफ शेप का है और ये सेटल सैक है जिसके कि अंदर ये रहता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो है ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देन इंटरनल एपिडर्मिस है, ठीक। यहाँ पर अगेन देयर इज वन लेयर ऑफ इंटरनल सर्क्यूलर मसल
इंटरनल लेयर ऑफ सर्क्यूलर मसल्स, देन सो इस प्रकार जो बॉडी के बॉडी वॉल होती है, सो इस प्रकार जो है ये सर्कुलर मसल्स रहती हैं और दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ शेप दिख रहा है, दिस इज द टी एस ऑफ बॉडी वॉल. टी एस ट्रांसफर सेक्शंस जो है बॉडी वॉल का हमने अर्थवर्म के निकाला है और इस प्रकार जो है ये रहता है. तो दिस इज द काइटिनस प्रोसेस जिसे सेटा कहते हैं. ठीक है, ये जो है ये है सेटल सैक जिसमें कि सेटा रहते हैं. ठीक है, ये क्यूटिकल है, एक्सटर्नल सरफेस, क्यूटिकल ऑफ बॉडी जो एक्सटर्नली सबसे एक्सटर्नल सरफेस होती है बॉडी की, स्किन है उसे क्यूटिकल कहा. क्यूटिकल के अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है. ठीक है, देन द आउटर लेयर ऑफ सर्क्यूलर मसल, देन दिस इज वॉट, दिस इज द इंटरनल लेयर, दिस इज इंटरनल लेयर ऑफ सर्क्यूलर मसल. ठीक है, देन दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल. देन दिस इज द इंटरनल थिक लेयर ऑफ मसल, थिक लेयर ऑफ सर्क्यूलर मसल. ओके, तो इस प्रकार जो है एक बॉडी वॉल में एफ लाइक जो होते हैं काइटिनियस एफ लाइक हेयर प्रोजेक्शंस इन द बॉडी वॉल एंड दैट कम्स फ्रॉम द सेटल सैक. They placed into the subtle sac and they help into the locomotion. They are absent into the clitellum in the first and last segment. ठीक है, तो इस प्रकार हमने size, shape, symmetry, segmentations और clitellum और seta जो है जो externally हमें दिखते हैं वो हमने देखा. अब हम देखेंगे apertures. ठीक है, तो जो externally हमें apertures दिखते हैं earthworm में वो हम देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं हम. ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे. अब जो हम देखने वाले हैं तो एक्सटर्नली हमें डिफरेंट एपर्चर्स दिखते हैं. ठीक है, बॉडी वॉल, बॉडी जो रहती है अर्थवर्म की उस पर डिफरेंट एपर्चर्स हमें दिखते हैं, डिफरेंट ओपनिंग्स हमें दिखती हैं. तो सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ओपनिंग वो है माउथ. तो माउथ ओपनिंग जो रहती है इंटीरियर एंड पे रहती है, क्रिसेंट्रिक रहती है. ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ मास जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं. ठीक है, एंड ठीक है, तो सराउंडेड बाय अ मास जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं और जिस सेगमेंट में माउथ ओपनिंग रहती है उस सेगमेंट को पेरिओस्टोमियम कहते हैं. ठीक है, तो पेरी मींस अराउंड द स्टोमा, स्टोमा मींस माउथ. तो पेरिओस्टोमियम वह पार्ट जो स्टोमा के आसपास है, प्रोस्टोमियम वह पार्ट जो उस ओपनिंग को, माउथ ओपनिंग को जो है कवर करके रखता है. तो एक लोब रहता है, लोब लाइक मास होता है, उसे कहते हैं. तो यहां पे हम बनाते हैं ठीक है, ये सेटास रहते हैं इस प्रकार.
एंटीरियर पार्ट हम देख रहे हैं एंटीरियर एंड, और इसमें दिस पार्ट इज प्रोस्टोमियम एंड दिस इज पेरियोस्टोमियम, ठीक है। साइड व्यू में हम देखें यदि तो, ठीक है, दिस पार्ट इज माउथ, ठीक है। प्रोस्टोमियम के सराउंड जो है हमें माउथ दिखता है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज द बकल कैविटी ऑफ स्टोमा और द माउथ, ठीक है। तो इस प्रकार इंटीरियर एंड पे क्रिसेंट्रिक ओपनिंग होती है, और जो कि फर्स्ट सेगमेंट में रहती है, जिसे कि पेरिओस्टोमियम कहते हैं, रिंकल्ड रहता है उसमें, पेरिओस्टोमियम इज रिंकल्ड एंड इट हैज अ लोब विच इज कॉल्ड द प्रोस्टोमियम, ठीक है, विच इज सराउंड्स द माउथ, और जो माउथ है वो इंटीरियर एंड में रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट एपर्चर, ठीक है। द अनदर इज एनस, एनल एपर्चर, फाइन। तो एनल एपर्चर जो होता है लास्ट सेगमेंट में होता है, और इस लास्ट सेगमेंट को पाइजीडियम कहते हैं या एनल सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो माउथ होता है वो ट्रांसवर्स एपर्चर होता है, माउथ इज द ट्रांसवर्स एपर्चर, ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है फर्स्ट सेगमेंट में, जबकि एनस जो होता है वो वर्टिकल स्लिट्स होती हैं, वर्टिकल स्लिट इनटू द लास्ट सेगमेंट व्हिच फॉर्म्स द एनल एपर्चर, ठीक है। द अदर एपर्चर इज फीमेल गोनोफोर, फीमेल गोनोफोर प्लेस्ड इनटू द मिड वेंट्रली एट द 14th सेगमेंट ऑफ क्लाइटेलम। तो जो क्लाइटेलम होता है उसमें जो 14th सेगमेंट होता है उसमें मिड वेंट्रली रहता है फीमेल गोनोफोर। यहां पर यदि हम देखें, ओके, तो सबसे पहला जो रहता है वो होता है मिड वेंट्रली, जिसे कि कहते हैं फीमेल गोनोफोर। फीमेल गोनोफोर जो रहता है वो ओवा को पास करता है इनटू द ऊथिका आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो इट पासेस ओवा इनटू ऊथिका, जहां पर क्या होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि हमने पता है कि क्लाइटेलम जो होता है वो ऊथिका सिक्रीट करता है, जिसमें कि जो एग्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो फीमेल गोनोफोर का क्या वर्क है कि वो ओवा को जो है क्लाइटेलम में पास करता है इनटू द ऊथिका, ठीक है। देन द अदर एपर्चर इज मेल गोनोफोर, मेल गोनोफोर इट इज इनटू द सो मेल गोनोफोर इनटू द 14, 15, 16, 17, 18 वेंट्रोलेटरली, ठीक है। याद रखिए हम वेंट्रल साइड देख रहे हैं अर्थवर्म की, और वेंट्रल साइड पे ही ये एपर्चर्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो जो वेंट्रोलेटरली साइड होती है 18 सेगमेंट पे, वहां पर रहते हैं मेल जेनाइटल फोर या मेल गोनोफोर। इस प्रकार से सेगमेंट्स जो हैं हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सेटास होते हैं,
ठीक है, मोल मेल गोनोफोर जो रहता है कहाँ पर रहता है, वेंट्रोलेटरली, दैट मीन्स कि वेंट्रल साइड पर लेटरली प्लेस्ड होता है, और इन द 18th सेगमेंट, 18th सेगमेंट जो रहता है वहाँ पर रहता है, और इसका क्या वर्क रहता है, इट ट्रांसफर्स द स्पर्म्स टू अनदर अर्थवर्म, अर्थवर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, तो कॉपुलेशन के वक्त जो मेल गोनोफोर रहता है वो अनदर अर्थवर्म में जो है स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है इनटू द अनदर अर्थवर्म स्पर्माथिका। ठीक है, तो मेल गोनोफोर 18 सेगमेंट में वेंट्रोलेटरली। फिर जो नेक्स्ट एपर्चर हमें दिखता है वो है जेनाइटल पैपिला। ओके, और कॉपुलेटरी पैपिला भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एपर्चर रहता है ये 17th और 19th सेगमेंट में वेंट्रोलेटरली रहता है। ठीक है, तो दिस इज सिचुएटेड वेंट्रोलेटरली इन 17th एंड 19th सेगमेंट, और इसमें जो है एसेसरी ग्लैंड्स जो रहती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स ओपन और रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू देम, थ्रू देम। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड्स जो इंटरनली बॉडी में सिचुएटेड होती है वो उसका जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन इन जो पोर्स रहते हैं, ये जो पैपिलास होते हैं जेनाइटल पैपिलास, वहां से सिक्रीट होता है एंड दे हेल्प इनटू द कॉपुलेशन। जो सिक्रीशन होता है इट हेल्प इनटू कॉपुलेशन। ठीक है, तो हियर इट इज, ओके, हियर इट इज इनटू द 17th ऑन द बोथ साइड ventrolaterally, and these are called genital papilla. ठीक है, तो 17th और 19th सेगमेंट में जेनाइटल पैपिला या कॉपुलेटरी पैपिलास जो है वो रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आता है नेफ्रीडियोपोर, ठीक है, तो नेफ्रीडियोपोर जो रहते हैं वेरियस स्मॉल पोर्स होते हैं ठीक है इनटू ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में रहते हैं, और ये जो स्मॉल पोर्स रहते हैं ये 200 टू 250 हो सकते हैं, और सभी सेगमेंट्स में रहते हैं, लेकिन मोर इन क्लाइटेलियम, जो क्लाइटेलियम पार्ट रहता है क्लाइटेलियम, उसमें सबसे ज्यादा 2000 के करीब भी ये पोर्स हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टू सेगमेंट रहते हैं उनमें नहीं होते। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टू सेगमेंट, ठीक है, तो दो सेगमेंट जो फर्स्ट रहते हैं उनमें नेफ्रीडियोपोर नहीं होते, और ये जो नेफ्रीडियोपोर होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसे ये एक्सक्रीट करते हैं नेफ्रीडियोपोर्स, और ये एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू द स्किन, और ये जो पोर्स होते हैं नेफ्रीडियोपोर्स ये 200 टू 250 पोर्स होते हैं इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट टू सेगमेंट, बट दीज नेफ्रीडियोपोर आर more in number into the clitellum where it is around 2000 to 2500. okay, so nephridiopores kya karte hain, excretion ka kaam karte hain, they excretes, theek hai, they excretion mein help karte hain nephridiopores. theek hai, uske baad jo hai wo hai dorsal pores,
डॉर्सल पोर्स। ठीक है, तो नंबर 7 इज डॉर्सल पोर्स। डॉर्सल पोर्स जो होते हैं आफ्टर द 12th सेगमेंट ठीक है, ये डॉर्सल ही रहते हैं और इंटरसेगमेंटल रहते हैं एंड मिड डॉर्सल ही रहते हैं। मतलब कि जो डॉर्सल सरफेस है उसमें भी मिडल में ये पोर्स होते हैं ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसमें से सीलोमिक फ्लूइड जो है वो रिलीज होता रहता है और जो कि स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी स्किन को हमेशा मॉइस्ट होना ज़रूरी है ताकि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो हो सके। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार मिड डॉर्सली ये पोर्स होते हैं इन ईच सेगमेंट आफ्टर द 12th सेगमेंट अप टू द लास्ट सेगमेंट, और ये जो है ये कहलाते हैं डॉर्सल पोर्स। और ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट या दे रिलीज सिलोमिक फ्लूइड ठीक है, विच कीप मॉइस्ट द सरफेस। ठीक है, तो ये मॉइस्ट रखता है सरफेस को और ये कहलाते हैं डॉर्सल पोर्स। ठीक, डॉर्सल पोर्स की बात है, ठीक है, डॉर्सल पोर्स के बाद जो पोर्स हैं वो हैं स्पर्माथिकल पोर्स। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं दे आर वेंट्रोलेटरली वेंट्रल साइड पे और लेटरली रहता है, इंटरसेगमेंटल होता है, दैट मींस सेगमेंट्स के बीचों बीच होता है। ठीक है, जिस प्रकार ये इंटरसेगमेंट है आप देख रहे हैं कि यहां पर एन्युलाई है और इंटरसेगमेंटली डॉर्सल पोर्स है, इसी प्रकार स्पर्माथिकल पोर्स रहते हैं इंटरसेगमेंटली बिटवीन 5th एंड 6th, 6th एंड 7th, 7th एंड 8th एंड 8th एंड 9th, इस प्रकार 4 स्पर्माथिकल पोर्स जो है वो होते हैं और इनका क्या काम होता है, दे रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम अनदर अर्थवर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के वक्त स्पर्माथिकल पोर्स जो हैं वो स्पर्म रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार हम यहां पे बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार प्रोस्टोमियम है, पेरियोस्टोमियम है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन टेंथ एंड इलेवेंथ। ठीक है, इस प्रकार ये सेगमेंट है और फिफ्थ से नाइन्थ सेगमेंट के बीच में जो स्पर्माथिकल पोर्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रहते हैं वेंट्रोलेटरली। ठीक है, तो दिज आर स्पर्माथिकल पोर्स और जो कि वेंट्रोलेटरली है। ठीक है, सेगमेंट्स इंटरसेगमेंटल है, सेगमेंट्स के बीच में है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में, ओके, सेवेंथ
फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में, सिक्स एंड सेवन के बीच में, सेवन एंड एट के बीच में, एट एंड नाइन के बीच में. इस प्रकार ये जो है फिफ्थ टू नाइन्थ तक जो सेगमेंट रहते हैं, बिटवीन द फिफ्थ एंड नाइन्थ सेगमेंट, इंटर सेगमेंटली ये पोर्स पाए जाते हैं एंड दे रिसीव द स्पर्म ड्यूरिंग द ओवुलेशन. ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखे एपर्चर्स जो कि हम एक्सटर्नली दिखते हैं, और इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से एपर्चर्स जो है वो अर्थवर्म में पाए जाते हैं.